साउंड एक सेवन एक्शन। हमको थोड़ा सा सेटअप वेटअप करना मांगता रे बाबा। राइट वी आर बैक। हाँ जी पूछिए। सर आप इंटरव्यू देने आए हैं? ऑब्वियसली, आपको क्या लगना है? मुझे लगा गोवा के बीच पे घूमने आए हैं। अच्छा ऐसा क्यों लगा आपको? इंटरव्यू देने आया हूं मैं ऑब्वियसली यार। मुझे मुझे यार सवाल पूछिए अपने यार, मेरे हुले में बजाइए। मैं इंटरव्यू देने आया हूं, टेंशन मत लीजिए। पहला सवाल पूछिए मुझे। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही 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 हंस देले। तो सर आपके लिए पहला सवाल है, आपकी फिंगर्स में इतने रिफ्लेक्सेस कहां से आते हैं? ये आपका पहला सवाल है मतलब? सही में नहीं, मतलब आप ऐसे पूछ लेते कि यार आपकी एज क्या है, आप कितना कमाते हैं, लाइक आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, ऐसा कुछ? गर्लफ्रेंड है? आपको देख के लगता नहीं है। आपको पता है ये मैंने किस लिए परचेस किया है? पार्क में जाके गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। Hey, y'all, come look at this. अबे एक बंदे का क्या सुन है भाई, देखा है कभी किसी और का? आपके कुछ महिला फैंस हैं, वो जानना चाहती हैं कि शादीवादी हो गई आपकी या कोई चक्कर वक्कर चल रहा है? टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही। नहीं नहीं, ये सवाल चाहे सवाल गलत है, मुझे लगता नहीं है कि ये मेरे से पूछा गया सवाल है। क्यों? क्योंकि सर आपने बोला ना महिला फैन, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, मैं नहीं मानता सर। आई डोंट बिलीव। आई बिलीव ऑन यू। मैं विश्वास करता हूँ सर आप पे, आप एकदम सच कह रहे हैं। अच्छा तो सर आप एक चीज बताइए, जो थोड़े टाइम पहले आपने एक अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था आईफोन 12 मिनी का, तो गेम तो अभी भी फिर भी आपने आईपैड में खेलना है, तो वो कहाँ है? सर इससे पहले जो आपका सवाल था ना, क्या था आपका सवाल? सर सवाल हमारा था गर्लफ्रेंड आपकी। तो भाई मेरे को किसी ने सलाह दी थी बेसिकली कि आईफोन ले लो बंदी पड़ जाती है, मैंने विश्वास किया। राहुल जी की कसम, राहुल जी हमारे गुरुदेव, उन्हीं कसम बाकी कह रहे हैं हम, हमने उनके कहने पे आईफोन लिया, 50,000 रुपये खर्च कर दिए। पर सर सब गुड़ गोबर, वो 50,000 रुपए तो गए गए, लेकिन इसने सलाह दी थी ना, वो कहाँ गया मुझे आज तक पता नहीं। मिल जाए ना, कसम गंगा मैया की चीर दूंगा फाड़ दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं देखिए सर, हम आपको बताते हैं। क्या गलती सलाह देने वाले की नहीं है, वो आपने उसकी बात आधी सुनी है। आपने कपड़े ले लिए, गिटार ले लिया, आईफोन भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, दो चीजों की कमी रह गई, एक DSLR और एक KTM की। अब वो ले लीजिए, पक्का गर्लफ्रेंड बन जाएगी। देखिए अब किडनी तो बची नहीं है, एक प्लॉट है वो बेचते हैं, करते हैं जुगाड़ उसका भी, कोई दिक्कत नहीं है। KTM कितने की आती है सरकार, ये बताइए आप रेट बताइए इसका। हमें छापरी, हमें छापरी। तो बीटी सर, हमारे सुनने में ऐसे आया कि आप ऐसे बहुत बड़े दयावान हैं, अब फैंस की ऊपर बड़ी कृपा बरसाते रहते हैं, उनको जब भी आपकी जरूरत हो आप ऐसे मदद करते ही दिखते हैं, क्या ये सच है? सर बिल्कुल, हम कभी अपनी फैन की सहायता करने से पीछे हटे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक बंदे ने मेरे को आधी रात को मैसेज किया था कि सर आई एम फीलिंग हॉर्नी। आगे बढ़ साले। तो अगला सवाल है आदिल भाई की तरफ से, वो जानना चाहते हैं कि आप आईफोन 14 कब ले रहे हैं? आईफोन 12 के लिए मैंने, तो देख लीजिए आदिल भाई, आप अगर ऐसी लड़की मिलने ढूंढ पाए जो कि काले लड़के को पसंद कर लेगी तो इसे हम कुर्बान कर देंगे, ले लेंगे आईफोन 14, ऐसी की बात है। तो अगला सवाल है गौरव भाई की तरफ से, वो जानना चाहते हैं कि कभी किसी से प्यार में कटवाया है? सर देखिए ये जो है ना बहुत ही उपलब्धि वाला काम है, तो कटवाने से पहले पटाना जरूरी है, तो आई होप अगर मैंने कटवाया होता तो मैं अपने आप को बहुत ही उपलब्ध इंसान, महारथी इंसान समझता, बट अफसोस मैं उस काबिल नहीं हूँ। ये भी ठीक है। तो अगला सवाल है हंटर भाई की तरफ से, वो जानना चाहते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है तो आप क्या करेंगे, नेड करेंगे या मौली करेंगे? हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। सर आपके फैंस चाहते हैं कि आप इतना बढ़िया खेलते हैं, आप यूट्यूब चैनल क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते अपना? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगला सवाल है UFX थोर की तरफ से, वो जानना चाहते हैं कि आपकी पहली बीवी कौन थी? ये सवाल थोड़ा सा तोड़ मोड़ के आगे पीछे कर सकते हैं क्या, लाइक पहले हटा कर ऐसा पूछ लीजिए क्या आपकी पहली बीवी होगी? असंभव है, जब तक राहुल की शादी नहीं करेंगे, भूल जाइए। तो सर अगला सवाल है ID नंबर 5911 से, वो जानना चाहते हैं क्या आप लड़के हैं?
देखिए योगी जी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इस बात पे हम चर्चा कर सकते हैं। बैठिए कभी सभा, बहस कीजिए, पता लगाइए कि हम क्या है। साले कुत्तिया दिखता ही करो कमीने। तो सर अगला सवाल है रेड स्कल की तरफ से, वो जानना चाहते हैं कि आप माइनक्राफ्ट सीरीज वापस से कब स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सीरीज? वो डब्बा वाली गेम, वो हरे हरे चौकोर से, उनमें तो पत्ते तक चौकोर दिखाई देते हैं यार। कैसे खेले उस गेम को हम? हमें आज तक होल स्क्वायर कुछ समझ में नहीं आया, कैसे खेले उस गेम को हम? रहन दो, असंभव है, नहीं आई कोई सीरीज वीरीज, रहन दो, भूल जाओ। तो अगला सवाल है आपकी एक महिला फैन से, वो ये क्लेम करती हैं कि वो आपकी महिला मित्र हैं। देखिए जैसा कि मैं आपसे पहले भी कहा था, ये मजाक है जो मेरे साथ हो रहा है। कई बार आया था, एक बार मेरे को मैसेज इंस्टाग्राम पे, उनने कहा वो हमसे प्रेम करती हैं। मैंने कहा कॉल कीजिए, तो कह रहे आप कीजिए, तो मैंने कहा करें, तो उन्होंने कहा हाँ कीजिए, तो मैंने कहा आपका फ़ोन तो बंद आ रहा है, तो कहती हैं कि हमारे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, आप प्लीज़ रिचार्ज कर दीजिए, उसके बाद कॉल सर्विस एक्टिवेट हो जाएंगी। हमने किया रिचार्ज। अच्छा अगला सवाल है आपके एक बहुत ही खास पंखे शैतान राजपूत की तरफ से, उनको अपने लिए लेना था एक नया फोन। वो पैसे लेके पहुंचे दुकान पे, लेकिन फोन हो चुका था थोड़ा सा महंगा। अब दुकानदार का कहना है कि या तो पैसे दो या झुक जाओ, वो आपसे मदद चाहते हैं। आराम करो इंटरव्यूअर साले, रुक कहाँ है तू, आराम करो।